हेलो दोस्तों नमस्कार एस एम के लिए चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स वन ऑफ द माई सब्सक्राइबर आस्क मी अ वंडरफुल क्वेश्चन सर कि हम लोगों ने अगर बड़े निवेशक अगर वो जो शेयर्स खरीदते हैं अगर उनके ऊपर ही दाव लगा दिया तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा या नहीं मतलब कितना आसान है ना कि बहुत बड़े बड़े निवेशक है आप सभी लोगों को नाम पता है जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी है राधा किशन दमानी जी है मनेकर सर है आशीष कचोलिया है विजय खेड़िया मतलब बहुत कुछ है बहुत बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने बहुत ही करोड़पति मतलब अरबों बने हैं तो उनके पोर्टफोलियो होते हैं ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और इनके पोर्टफोलियो आपको न्यूज चैनल में भी दिखते हैं और अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा मेरे सब्सक्राइबर ने कि सर अगर हम लोगों ने वही उनका पोर्टफोलियो फॉलो किया और जो शेयर्स वो खरीदते हैं अगर वही शेयर अगर हम लोगों ने भी खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रॉफ़िट होगा या नहीं मतलब वो लोग इतने एक्सपर्ट है कि उन लोगों को पूरा नॉलेज रहेगा स्टॉक मार्केट का तो डेफिनेटली जो रिसर्च करेंगे वो लोग तो पूरी अच्छी तरीके से करेंगे तो जो शेयर्स वो उनकी लिस्ट आ जाएगी कि इन्होंने ये ये शेयर्स खरीदे जस्ट हम लोग वो खरीद लेंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा और ये बहुत ही आसान तरीका है सो so, क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाया हुआ है फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात जो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि किसी को भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है मतलब किसी के पोर्टफोलियो में इतने शेयर है कोई एक शेयर उन्होंने खरीदा है वो उन्होंने अपनी रिसर्च की होगी और उसके ऊपर उन्होंने वो डिसीजन लिया होगा मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप कोई भी हो आपको खुद की रिसर्च करनी चाहिए उस शेयर के रिलेटेड और अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो शेयर में निवेश करने का कुछ मौका बनता है तो आपको डिसीजन लेना चाहिए ना कि ब्लाइंडली मैं आपको इसी वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल बता देने वाला हूँ कि जहां पे दिग्गज लोग ये बड़े लोग भी बहुत बार गलती कर चुके हैं और इन्हें क्लियरली खुद से भी बोला है वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे आप देख सकते हो सोशल नेटवर्किंग पे राकेश ने जो ओपन माइंडेडली बोला था बहुत ही मस्त मतलब बोलते हैं ना बहुत ही अच्छे पर्सन है उन्होंने क्लियरली बोला था मैं भी लॉस करता हूँ मुझे भी लॉस होते हैं ऐसा नहीं कि मैंने जो शेयर खरीदला वो प्रॉफिट वाला ही हो जाता है बहुत बार मुझे लॉस हुआ है बहुत बार तो ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड्स कि लॉस उन्हें नहीं होता है डेफिनेटली उनको भी लॉस होता है तो अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि, कि अगर वो जो शेयर्स खरीदते हैं वही अगर हम लोगों ने खरीद लिया मतलब हम लोगों को प्रॉफिट ही होगा तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि उन लोगों को भी लॉस होता है और ऐसे ही एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स सबसे पहले एक मैं बात आपको बता देने वाला हूँ कि ये जो दिग्गज लोग रहते हैं इनके पोर्टफोलियो में बहुत मतलब बोलते हैं बहुत क्वांटिटी मतलब बहुत ही अलग अलग शेयर्स रहते हैं तो जब भी जो शेयर्स डिस्प्ले होते हैं कि उन्होंने कौन से शेयर्स खरीदे फॉर एन एग्जाम्पल एफ जी एक्स वाई जेड ऐसे बहुत सारे शेयर्स खरीदे बट आपको क्वांटिटी नजर नहीं आएगी कि उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उन लोगों को वो हाइड करने का होता है कि उन्होंने एक्चुअली कितने शेयर्स और कौन सी क्वांटिटी में किस शेयर्स पे ज्यादा वेटेज दिया है मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप चेकआउट करोगे कि राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो आप चेकआउट करोगे तो उसमें रहेंगे बहुत बड़ी लिस्ट रहेंगी बीस तीस चालीस पचास शेयर रहेंगे बट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके मेजर शेयर रहेंगे उसमें आप सभी लोगों को पता है मैंने पचास शेयर्स खरीद लिए बराबर पचास शेयर्स खरीद लिए तो आपको दिखेगा कैसे की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन फिफ्टी शेयर्स दिखेंगे बट आपको किधर पता कि मैंने शेयर्स किस शेयर्स में कितनी क्वान्टिटी खरीद है? शायद मैंने 40 शेयर में सिर्फ एक ही क्वांटिटी खरीदी हो तो सबका एक 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 ही दिखेगा बट बाकी के जो 10 शेयर्स बचे वहां पे मैंने बहुत बड़ा वेटेज दिया होगा शायद किसी पांच शेयर में मैंने बहुत ही बड़ी अमाउंट दस लाख रुपए डाली होगी शायद से किसी एक शेयर में मैंने एक करोड़ लगा दिए होंगे तो शायद से किसी इस शेयर में मैंने सिर्फ एक ही उसकी क्वांटिटी खरीदी होगी तो ये आप ट्रैकआउट नहीं कर सकते और इसीलिए अगर आप बड़े कोई भी निवेशक देखोगे पोर्टफोलियो उनका चेकआउट करोगे तो इसमें आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी बट फैक्ट ये रहेगा कि उनके जो मेजर शेयर रहेंगे वो आप ट्रैकआउट नहीं कर पाओगे तो यह होती है सबसे पहली बात कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते कौन सा शेयर हमें खरीदना चाहिए तो यह हुआ सबसे पहली बात अभी जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि राकेश झुंझुनवाला जी से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ तो चलिए वो क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं फ्रेंड्स मैंने आपके सामने जो शेयर ओपन किया है उसका नाम आपको पता ही होगा बहुत ही फेमस शेयर है ये और उसका नाम है डीएचएफए आप सभी लोगों को पता है बहुत ही फेमस है बट बीच में ऐसा हुआ था कुछ कि डीएचएफ एल का शेयर अगर आप चार्ट अभी देखोगे आपके सामने ही है कि करीब करीब जो उसका वैल्यू अगर आप देखोगे कि सिक्स एट्टी का जो शेयर था वो उसका वैल्यू इतना जबरदस्त नीचे आया तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि राकेश झुंझुनवाला जी ने भी इसमें क्वांटिटी उठाई थी और ये भारी बरकम गिरावट के बाद उन्होंने क्वांटिटी उठाई थी सम अराउंड यहां पे नियर बाय अगर आप देखोगे कि 200 से 300 सौ रुपए के करीब उन्होंने क्वांटिटी उठाई थी डीएचएफएल में तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग गया कि वापस डीएचएफए अभी कम करेगा अप ट्रेंड में चला जाएगा क्यों क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी ने अगर खरीदा है मतलब डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा एनालिस किया होगा तो हम लोग उनको करने की क्या जरूरत है और ब्लाइंडली उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइबर ने भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि हम लोगों ने इस तरह के उस शेयर में निवेश किया है और उसके बाद आप देख सकते हो कि डीएचएफ आज कितने लेवल पे चल रहा है वो आपके सामने ही है वो वन के लेवल के भी नीचे है तो उसके बाद न्यूज चैनल में भी, भी आया था कि देख सकते कि राकेश झुंझुनवाला को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है है में तो यही फ्रेंड्स आपको सीख लेनी है कि कोई भी अगर ये बड़े निवेशक होते हैं उनको आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने हैं वो उनकी अपनी खुद की स्टडी होती है और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं ऐसे में आपको बहुत सारे हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ तो चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि राकेश झुंझुनवाला जी से रिलेटेड है फ्रेंड्स ये शेयर आपके सामने ओपन किया है आप देख सकते हैं उसका नाम है जेपी एसोसिएट बहुत ही फेमस शेयर है एक वन ऑफ द पेनी स्टॉक है और बहुत ही मतलब जो रिटेल निवेशक है नए लोग हैं उनका ये सबसे ज़्यादा फेमस शेयर भी बोल सकते हैं उनके पोर्टफोलियो में होता ही है क्योंकि बहुत सारे लोग ये शेयर को लेके मैनिपुलेशन करते मतलब उनको गुमराह करते कि बोलते कि ये शेयर खरीद लो ये शेयर आगे आने वाले फ्यूचर में अस्सी हो जाएगा सौ हो जाएगा और बेचारे खरीद लेते क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता है सो so यही और एक उनको लोगों को यही बताने के लिए एक और एक एडवांटेज मिल गया था कि आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये शेयर बहुत ही दिक्कतों के साथ गुजर रहा था मतलब जेपी एसोसिएट कंपनी कंप्लीटली मतलब डेप्ट के अंदर आ चुकी थी सिक्सटी थ्री थाउजेंड करोड़ का डेप था वो बाद में चुका कर रहे थे उसके बाद वापस दूसरा कर्जे का और एक मतलब बोलते हैं ना उनके ऊपर बर्डन आ गया एम्प्लॉज को देने के लिए सैलरी नहीं थी कोर्ट कचहरी में मतलब बोलते हैं ना मैटर्स में उन लोगों फंस चुके थे तो बहुत ही बुरी हालत थी तो उसके बाद एक बीच में सिचुएशन आई थी तो वहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जी ने इस शेयर में कुछ स्टेक उठाया था अराउंड है ना ट्वेंटी टू थर्टी रुपीज़ के बीच में तो जैसे राकेश झुंझुनवाला जी की ये न्यूज़ सामने आ गई कि उन्होंने ट्वेंटी टू थर्टी रुपीज़ के बीच में ये शेयर खरीदा है क्योंकि ऑब्वियसली वो बल्क बाइंग करेंगे तो बल्क बाइंग जैसे ही हो जाती है आप लोगों को इजिली वो दिख दिखता है तो सब लोगों को लगा कि ये शेयर वापस कम करेगा तो उन लोगों ने भी इसमें निवेश किया आप देख सकते हो सोशल नेटवर्किंग पे मेरा वीडियो बाद में क्लोज करके आप चेकआउट कर सकते हो गूगल पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ये केस स्टडी आपको मिल जाएगी कि बहुत सारे लोगों को लगा कि ये शेयर वापस कम करेगा ट्वेंटी रुपीज से वापस फिफ्टी सेवेंटी एट्टी या फिर हंड्रेड के लेवल दिखा सकते हैं ऐसे बहुत सारे रूमर्स सामने आए बट फैक्ट आपके सामने है फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये शेयर का वैल्यू अभी क्या है और एनसीएल आई बी कोड के द्वारा इसके ऊपर प्रोसीडिंग चालू है तो आप देख सकते हो कि ऐसा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने का होता है किसी को भी तो राकेश झुंझुनवाला जी को इसमें भी लॉस हुआ आप देख सकते हो बट द प्रॉब्लम इज वॉट हम लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो कभी भी ऐसा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है फ्रेंड्स आपको स्टडी करना है राकेश झुंझुनवाला जी ने जो ये शेयर खरीदा है वो उन्होंने अपनी स्टडी की होगी जैसे मैं बोला है कि उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया है तो अगर वो लॉस होता है तो वो बेयर कर सकते हैं क्योंकि मैंने कहा है कि हर एक की लॉस बेयर करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है सॉरी बीच में वीडियो मैंने स्टॉप किया था वापस कंटिन्यू करता हूं कि हां एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि राकेश झुंझुनवाला जी के ऊपर कि राकेश झुंझुनवाला जी का लॉस करने का बेयर करने का हर एक का अपना अपना कैपेसिटी होता है मतलब राकेश झुंझुनवाला जी से रिलेटेड अगर आप चेकआउट करोगे तो उनके लिए सौ दो सौ करोड़ का भी लॉस कुछ नहीं है इतना कुछ मैटर ही नहीं करते सौ दो सौ करोड़ का लॉस पर हमारे लिए सौ दो सौ रुपये भी मैटर करते सो so ये हम लोगों को हमेशा देखना होता है फ्रेंड्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैपेसिटी आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि वो रिस्क लेते हैं अपने हिसाब से बट आपको भी रिस्क कैलकुलेट करना है अपने हिसाब से जैसे मैं बोलता हूँ अगर वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे राकेश झुंझुनवाला जी तो ऑब्वियसली उनका बिल कितना होगा बीस तीस पचास या फिर एक लाख भी हो सकता है बट हम लोग जाएंगे क्या इतना महंगे इसमें नहीं ना तो क्यों ऐसा नहीं जाएंगे क्योंकि हम कैपेसिटी हम लोगों को हमारा ये चेकआउट करने की कि हम लोगों को क्योंकि लॉस बेयर करने की कैपेसिटी कितनी है और उतना ही रिस्क लेना है तो अगर राकेश झुंझुनवाला जी को लगता है कि हाँ जेपी एसोसिएट में मैं इतना रिस्क बेयर कर सकता हूं अगर लॉस हुआ तो चलेगा बट इसीलिए मैंने कहने का मेरा मतलब क्या है कि, कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना क्योंकि वो रिस्क उतना बेयर कर सकते बट अगर आप उतना रिस्क बेयर नहीं कर पाओगे तो फिर आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर लोगे हमेशा के लिए क्योंकि आपके हाथ में निराशा आ जाएगी फिर तो यही होता है फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है ये मैंने आपको दिए दो एग्जाम्पल जिसमें रिवर्स पोजिशन थी मतलब शेयर्स नीचे आ गए तो चलिए और एक एग्जाम्पल आपको आखिरी वाला कवर कर देता हूं मतलब आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी फ्रेंड्स ये जो तीसरा शेयर है बहुत ही पॉपुलर शेयर है टाइटन और ये पॉपुलर इसके वजह से हुआ है आप सभी लोगों को पता है वापस वही नाम राकेश झुंझुनवाला जी आप सभी लोगों को पता है टाइटन के शेयर्स उन्होंने खरीदे थे बहुत पहले ही, तीन रुपये के करीब करीब और उसके बाद ये मल्टी वैगर साबित हुआ उनके लिए बहुत ही जबरदस्त वेल्थ उनके लिए क्रिएट किया तो बीच में एक इशू हुआ था फ्रेंड्स कि राकेश झुंझुनवाला जी ने अपना जितना भी इसमें टाइटन में स्टेक था उसमें से कुछ क्वांटिटी उन्होंने सोल्ड आउट की बीच में एक अगर आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पोजीशन था कि उन्होंने बीच में अपनी एक पोजीशन कट डाउन की थोड़ी सी क्वांटिटी उन्होंने सोल्ड आउट की टाइटन में से तो ये न्यूज सामने आ गई क्योंकि जैसे वो सेल करेंगे उनके पास बहुत भारी क्वांटिटी रहेगा तो न्यूज़ आ गई कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी ने अपनी कुछ क्वांटिटी टाइटन में से कम की तो बहुत सारे रिटेल निवेशक आपके मेरे जैसे लोगों ने कंक्लूजन ये फाइंड आउट कर लिया कि खत्म अभी टाइटन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी और टाइटन नीचे जाएगा और टाइटन खराब हो जाएगा और उसके बाद आप देख सकते पैनिक आप देख सकते हो पैनिक सेल हुआ था जिसके वजह से टाइटन में सचमुच में बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ बट एक्चुअल में ऐसा कुछ शेयर में हुआ नहीं था कंपनी में कुछ हुआ नहीं था उन्होंने अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग की होगी क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि कंपनी कुछ डूबने ही वाली है या फिर कुछ प्रॉब्लम होने वाले तो वो शायद से पूरा ही सेल आउट कर सकते थे तो उन्होंने वो पार्शल प्रॉफिट बुकिंग भी आप उसे बोल सकते हो बट जैसे ही ये न्यूज सामने आई कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने अपना कुछ पोजिशन कट डाउन किया है टाइटन में से तो बहुत सारे लोगों ने इसमें से सेल आउट करना शुरू कर दिया और ये तक कह दिया कि टाइटन अभी वापस पाँच सौ के नीचे जाने वाला है और वापस कभी मतलब बोलते हैं ना वो लेवल को मतलब वो ये देख सकते हो आप नाइन हंड्रेड का लेवल वापस कभी अचीव ही नहीं करने वाला है तो ऐसा भी हुआ था फ्रेंड्स बट अभी प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स क्या है कि आपके सामने कितना अमाउंट दिख रहा है आपको टाइटन का वन जीरो सेवन एट राइट और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता तो हूँ ये टाइटन ने अपना फिफ्टी टू वीक हाई नहीं बल्कि अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया है ऑल टाइम हाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे करीब करीब थर्टीन टू ट्वेल्व मार्च को मैं बना रहा हूँ ये तभी का है शायद से मैं इसको बाद में अपलोड करूँ ये तभी के डेट है जिस दिन टाइटन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ चार्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो ये देखिए पाँच साल का चार्ट इसका अप ट्रेंड में कैसे है और ये देखिए ऑल टाइम हाई आप यहाँ पे देख सकते हो इससे पहले कोई हाई नहीं बनाया था तो अल्टीमेटली मेरे कहने की बात क्या है कि जो अगर आपने ब्लाइंडली फॉलो किया होता या फिर किया होगा मिस्टर राकेश झुंझुन वाले जी ने तो आपने भी टाइटन को बेच दिया होगा और एग्जिट कर लिया होगा और बाद में आप देख सकते हो कि इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया है तो यही होता है फ्रेंड्स कि आपको ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कोई भी हो आप रीड आउट कीजिए डेफिनेटली मैं खुद पढ़ता हूँ पोर्टफोलियो सबके पढ़ने चाहिए मैं हमेशा बोलता हूँ सबका पढ़ना चाहिए जितने भी ये डिटेल आपको नॉलेज लेनी चाहिए बट जब तक आप अपनी रिसर्च नहीं करोगे और जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ ये शेयर मुझे खरीद के पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए तब तक आपको उस शेयर में बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है तो ये आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीख थी कि वो क्वेश्चन जो पूछा था कि हमें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए क्या जो शेयर ये बड़े दिग्गज लोग खरीदते तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं करनी है ऐसे क्योंकि जैसे मैंने आपको ये तीन एग्जाम्पल दिखाए ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है बट वो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी सो so यही था आज की सीख फ्रेंड्स कि आपको अपनी रिसर्च करनी है और उसके बाद डिसीजन लेना है फिर जो होगा फिर आप वो देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द योर कैलकुलेशंस सो आई होप आशा कर दो आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और हाँ अगर इस चैनल में अगर आप नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए तो जो भी मेरा नयालेटिस वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा सो दैट्स इट थैंक यू वेरी मच दोस्तों वी विल बी मीटिंग ऑन और नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय